राहुल गांधी जी ने जिहड़ी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, ए, बीजेपी और मोदी सरकार नू कहना सगा कि ए चलो यात्रा नू इन्हां नू रिस्पोंस नहीं मिलना। बड़ा जबरदस्त रिस्पोंस राहुल गांधी जी की उस यात्रा नू मिलिया और इहदे नाल कांग्रेस एकजुट हो गई और कांग्रेस ने एकजुट हो के उन्हां दा स्वागत किया, लोगों ने भी स्वागत किया जिहड़ी जिहड़ा उन्हां तों बीजेपी नू हजम नहीं होया। ऑपोजिशन खाली उत्थे जाके चुप होके सरकार की वाहवा करन या सुन, इसलिए ऑपोजिशन नहीं होंदी। ऑपोजिशन का मतलब है कि तुसीं देश दे विच लोक हित दे विच गल्लां जिहड़ियां भगदे मसले आ उन्हां ते बोलना। तो राहुल जी ने जो सवाल उन्हां नू कीते अडानी बारे, तो ये मोदी साहब नू ते बीजेपी सरकार नू चंगे नहीं लगे, जिहदी वजह नाल मैं कोर्ट तक कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। विद इन 20 डेज फैसला सुनाता कोर्ट का साढ़े सिर मत्थे। बहुत ही सत्कारयोग मेरे प्रेस के वीरो, तुसी अज एक छोटे जे तलवार साहब के स्नेह से सारे जने आए हो और कांग्रेस पार्टी ने एक प्रोग्राम बनाया कि राहुल जी नू जिस तरह मैंबर पार्लीमेंट की सदस्य तो उन्होंने बर्खास्त किया गया, तो उहदे बारे असी प्रोटेस्ट सारे हिंदुस्तान च और प्रदेश दे विच असी चंडीगढ़ तो चालू किया सीगा और उस लड़ी के तहत जिन्ने वड्डे शहर ने या साडे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स ने उत्थे असी प्रोटेस्ट किया। तो अज मेरी ड्यूटी इत्थे लुधियाणे च लगी है। देखो राहुल जी ने 2019 दे विच इलेक्शन दौरान किसी व्यक्ति विशेष का नाम लए बगैर मोदी कह के कर दिता कि भी इस तरह वाहे मोदी हैं जी। तो कर्नाटक दे विच ए होया ते केस किया गया सूरत दे विच, गुजरात दे विच, और वो जिहड़ा उन्हां दा मैंबर पार्लीमेंट मैंबर असैम्बली सीगा वो अपने पिछे मोदी नहीं लाता सी। जिदन उसने ये दायर किया अपना केस तो उन्हें मोदी लाना भी चालू कर दिता। तो फिर कुछ समय पा के उन्होंने ये खुद स्टे मंग लिया कि यानू अबेंस रखा जाए। तो जो राहुल जी की यह सारा जो कुछ है ना ये गिनी मिथी साजिश आ। और अगर तुम वेखो कि होया क्यों, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिहड़ी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, ते बीजेपी और मोदी सरकार नू इन्ना सगा कि ये चलो यात्रा नू इन्हां नू रिस्पोंस नहीं मिलना। कन्याकुमारी तो चालू की थी, ते वो स्टेट दे विच बड़ी और उदों क्या भी अगली कर्नाटका च इन्हां नू रिस्पोंस नहीं मिलना, कर्नाटका च भी फिर कहिंदे हिंदी बेल्ट च नहीं मिलना। उत्थे सारियां जिधर जिधर राहुल जी गए फाइनली पंजाब ते जम्मू कश्मीर च भी तुसीं वेख्या कि बड़ा जबरदस्त रिस्पोंस राहुल गांधी जी की उस यात्रा नू मिलिया और इहदे नाल कांग्रेस एकजुट हो गई और कांग्रेस ने एकजुट होके उन्हां दा स्वागत किया, लोगों ने भी स्वागत किया जिहड़ी जिहड़ा उन्हां तों बीजेपी नू हजम नहीं होया। फिर मोदी जी ने अडानी ग्रुप के शेयर्स डाउन जाण ते और जिहड़े नुकसान चाहे वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी साडियां उन्हां दे जिहड़े नुकसान एडे एडे वड्डे लोन सी उहदे ते उन्होंने क्वेश्चन चक्या मोदी साहब ते पार्लीमेंट दे विच। और मैं समझदा कि हैल्दी ऑपोजिशन होनी चाहिए आ और ऑपोजिशन खाली उत्थे जाके चुप होके ते सरकार की वाहवा करन या सुन, इसलिए ऑपोजिशन नहीं होंदी। ऑपोजिशन का मतलब है कि तुसी देश दे विच लोक हित दे विच गल्लां जिहड़ियां भगदे मसले आ उन्हां ते बोलना। तो राहुल जी ने जो सवाल उन्हां नू कीते अडानी बारे, तो ये मोदी साहब नू ते बीजेपी सरकार नू चंगे नहीं लगे, जिहदी वजह नाल मैं कोर्ट तक कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। विद इन 20 डेज फैसला सुनाता कोर्ट का साढ़े सिर मत्थे कि भाई इन्हां नू
राहुल गांधी जी ने 2 साल की सज़ा सुनाई गई और मैक्सिमम सज़ा 2 साल दिया। तो एक कदे नहीं होया कि इन्नी छेती मानहानि का कोई केस का फैसला होए जिन्नी छेती साढ़े राहुल जी वाले केस नूं वाइंड अप करके तो किया गया, वो भी साढ़े सिर मत्थे कोर्ट का ऑर्डर आ। लेकिन गुजरात दी करनाटका का केस गुजरात दे विच लगे, फैसला हो गया, गुजराती की ट्रांसलेशन होनी आ, ट्रांसलेशन हाले हुई नहीं, 24 घंटे दे विच उन्हां दी पार्लीमेंट की सदस्यता खत्म करते रद्द की जाती है। एंड उहदे अलावा जिहड़े साढ़े राहुल जी जिस बंगलों च रह रहे आ ऑफिशियल बंगलो, इनको रहन दो यार, ते उना दी उना नु चिट्ठी चल जाती है कि भी तुसीं घर भी वेकेट करो। गल करदी नहीं आ, गल आ कि भी इन्नी हेस्ट दे विच क्यों डिसीजन ले जा रहे आ कि अज तुसीं हिंदुस्तान च किसे नु बोलन दा हक नहीं, और चुने हुए राहुल जी भी नुमाइंदे आ, ही हैज़ ऑल द राइट, और ये हिंदुस्तान ने इस गल नूं सही नहीं समझिया और हिंदुस्तान की आम जनता ने बुरा मनाया। और पंजाब दे विच खास तौर पर असी जिथे जिथे प्रोटेस्ट किया या असी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो लोग ये समझते हैं कि अज बीजेपी तानेशाही कर रही है, और तानेशाही का एक फायदा जरूर होया कि डिफरेंट पार्टीज के डिफरेंट एजेंडे ने, और किसी मुद्दे के उत्ते बहुत देर तो ओपोजिशन पार्टीज इकट्ठिया नहीं हुई। ये पहली बार होया बहुत देर बाद कि सारे दे सारे एक प्लेटफॉर्म के उत्ते इस धक्केशाही के उल्ट करीब करीब सारे दे सारे इकट्ठे हो गए। मैं एक गल कहनी चाहना कि अगर ये वेख्या जाए कि पार्लीमेंट के विच मोदी 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 कह के राहुल जी ने अपनी गल रखी, और इस तरह असैम्बली दे विच केजरीवाल साहब, हालांकि उन्होंने साड़ी सपोर्ट की आ, लेकिन उन्होंने खुल के हर पैसे दे नाल मोदी साहब का नाम जोड़िया, भाई उन्होंने बारे की करनगे, ये गल है ए टीम बी टीम है। लेकिन मैं ये ज़्यादा ना बोलता होया इन्हें दसना चाहना कि साड़ी पार्टी का प्रोग्राम है कि हर ब्लॉक से अपने शहर के 12 ब्लॉक ने, 12 ब्लॉक ते संजय तलवार साहब साढ़े पांडे साहब दीवान साहब और चीमा साहब ते अपने मेजर सिंह जी ते बाजवा साहब और आशू जी अज साढ़े इत्थे इस करके नहीं क्योंकि उन्हां दी ड्यूटी मोगे च लगी आ। कांग्रेस एकजुट हो के इस गल का विरोध करेगी, जनता च आवाज़ उठाएगी और जनता परमा हुंगारा दे रही। अच्छा, ये रोस मार्च जिवें जलंधर दे विच साडे प्रधान जी ते CLP लीडर उन्हां दी अगवाई दे विच असीं भी रोस मार्च जलंधर कर रहे हां, कंपनी बाग कंपनी गार्डन तो लैके ते भीमराव अंबेदकर साहब बाबा जी दी जिथे मूर्ति है नकोदर चौंक उत्थे तई प्रोटेस्ट मार्च। इस तरह उस लड़ी दे तहत भी 3 तरीक नूं लुधियाणे दे विच भी इस तरह मार्च होएगा, ते ये मार्च होएगा। तो मार्च के साढ़े सारी सीनियर लीडरशिप ने अपने सपोर्टर के नाल हमायतियों के नाल कांग्रेसमैन के नाल ये मार्च कढ़ना है, और ये सुनेहा जिथे पंजाब दे विच असीं कर रहे हैं, इस ये सारे हिंदुस्तान च जिथे जिथे इक्को पार्टी आ। देखो ये सारा कुछ क्यों हो रहा, कश्मीर टू कन्याकुमारी अगर देखा जाए कि हर स्टेट के हर पिंड अगर किसी का कार्ड रहा तो वह कांग्रेस पार्टी का। अज BJP नूं राहुल जी तो ये हो रहा कि भी इन्होंने जिहड़ी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की उन्होंने परमा हुंगारा मिलिया, और कांग्रेस रीजुवनेट हुई तो BJP नूं हजम नहीं हुई, इस करके हो गया। देखो जी, आम आदमी पार्टी की गल नहीं, ये बारी बारी सारे ना होना, जे एक बने तो ये कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी बी टीम है,
लेकिन कई दफा बी टीम बना ली दी है मुड़ के फिर उ जिन बन के जो बोतल चो बहर आता तो हूँ साडा नंबर लाता अगला नंबर हो सकता आम आदमी पार्टी का हो किसी होर पार्टी का भी हो सकता। सो जे ये संभाविक आ कि सारिया हिंदुस्तान दिनिया भी पोलीटल पार्टीज ने उन्होंने इस गल का शंका आ कि भी ये बारी बारी नंबर सारे का होना तो सारे ही एक प्लेटफॉर्म से इस कार्रवाई के उल्ट ने छोटी नहीं है। राणा गुरजीत जी देखो जिथे ताई कांग्रेस पार्टी का सवाल है कांग्रेस पार्टी का पिछोकड़ की गल करो ते कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क की आजादी बहुत वड्डा योगदान पाया। कांग्रेस पार्टी मुल्क आजाद होने तो बाद समय समय से जदों जदों साडे प्रधानमंत्री साडे मुख्यमंत्री कुर्बान हुए इस मुल्क खातर और कांग्रेस पार्टी एक सैकुलर पार्टी आ धर्म निरपेक्ष पार्टी आ कोई भी चाहे मिनोरिटी च होवे उहदा सत्कार उहदी रक्षा करना किसे स्टेट च वो साडा धर्म हुंदा और सानू बार बार ये साबित करन दी लोड़ नहीं। जदों वेला आया माइनोरिटी च हिंदू वीर ने साडे हिंदू सिख कट्ठे ने सानू फाड़न दी कोशिश की जा रही आ लेकिन कांग्रेस पार्टी एक किसे भी कीमत ते बर्दाश्त नहीं करेगी और जिस लैवल ते भी लड़ाई नू लजाना पएगा असी इस एकता नू अपने सूबे की शांति लई हर कदम हर कुर्बानी देने तैयार है। माहौल तो यह पिक्चर आ जिवें स्टोरी लिखी दी आ उस हिसाब नाल सारा काम चल रहा और इहदे लई मैं दोषी जिथे आम आदमी पार्टी नू ठहराउणा उत्थे मैं भारत सरकार नू भी कहना कि भी बराबर की जिम्मेवार आ। कारण सुन लो भाई पहला कारण यह कि 21 अक्टूबर या सितंबर दे विच 15 किलोमीटर की जिहड़ी बॉर्डर की हद सी उहनूं वधा के 50 किलोमीटर कर दिता गया। जे 50 किलोमीटर किया तो इन्हां दा कहना सीगा कि भी इत्थे पाकिस्तान शरारत करेगा सानू सेंट्रल एजेंसीज़ का उत्थे कंट्रोल जिहड़ा विजिबल नहीं आ वह नॉन विजिबल कंट्रोल पहला भी सी 15 किलोमीटर से वधा के 50 किलोमीटर से किया गया। तो मैं एक गल पुछना चाहुंदा हां कि अमृतपाल सिंह अपने गुरु ग्रंथ साहब नूं लैके अजनाले थाने ताईं जांदे आ उहदे च खाली आम आदमी स्टेट नहीं उहदे च जिम्मेवार सेंट्रल एजेंसीज भी आ कि उहनां दी इंटैलीजेंस की काम कर रही सी और एडा वड्डा इंटैलीजेंस फेलियर आ। जे तुसीं सारे घटनाक्रम नूं वेखो चाहे सूबे की गल कर लो 80,000 फौज दा इंपलॉयज ते पुलिस दे साडे आ 20,000 असी पैरामिलिट्री फोर्सेस बुला लिया हाँ जी। और मैं तो यह भी मानता कि साढ़े मुख्यमंत्री साहब की सोच करके पंजाब एक ट्रैप च फस गया। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के पैसे भी असी देने हैं और ये सिक्योरिटी फोर्सेस हम वापस जाएगियां सेंटर की मर्जी ना जाएगियां तो उन्होंने सूट करता एक स्क्रिप्ट जिदा पिछली बार पुलवामा पेंट किया जी कश्मीर के डिस्टर्बेंस आ तो उन्होंने अपना सारे हिंदुस्तान जड़िया वोटा कट्ठिया कर लिया कि भी फिरका प्रस्ती के नौते कि भी सारे आप एक बने हो जाइए। लेकिन इस बार पंजाब की जनता जानती है पंजाब च मैं समझदा पंजाब च नहीं हिंदुस्तान च जगह जगह पोस्टर तुसीं नेपाल बार्डर ते ही ला दिते यार कि एवरी सिख इज़ ए सैपरेटिस्ट आई डोंट थिंक सो हाँ जी। एक मिनट हूँ मेरी पूरी फिर मेरी तार एवरी सिख इज़ नॉट ए सैपरेटिस्ट किसी के ख्याल हो सकते हैं लेकिन एक कम्यूनिटी तुम इलैक्शन अपने इलैक्शन जितने लिए 24 दे एडा वड्डा तुम सज़ा दे दो यारो इस गल का मैं विरोध करता हूँ हाँ जी। स्क्रिप्ट सेंटर वाले की आ तो हिस्सा आम आदमी पार्टी का भी आ
देखो जी जे गलती एक बार की तो बार बार करनी है जी भी मैं कहना जी वो चंगा सगा माड़ा सगा वी शुड लर्न लैसन वी शुड लर्न लैसन। हाँ जी देखो जी इस गल का जवाब धामी साहब दे सकते हैं जिथे ती सा पार्टी का सवाल आ भाई अं सैकुलर सोचते हैं साढ़े लिए सब बराबर है एंड असी अमन शांति चैन चाहते हैं पंजाब दे विच हर कीमत के उत्ते अभी बड़िया बड़िया कुर्बानियां पहला भी दित्तियां हूँ भी हो जाएगियां वी आर रेडी फॉर दैट। देखो लॉ एंड ऑर्डर की लॉ एंड ऑर्डर बड़ी गंभीर समस्या पंजाब दे विच आ देखो गैंग वॉर आ जिन्ना लुट कसुट अपनी फरौती इंडस्ट्री का पलायन करना ये दीज आर नॉट हैल्दी साइंस फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब इन्हां लई इह ते रोकथाम होनी चाहिए है अमन शांति बरकरार रहनी चाहिए आ 50 किलोमीटर की जिम्मेवार भारत सरकार आ और भारत सरकार दी एजेंसीज जगह जगह ने उन्हां नूं की CID नहीं मिलती इंटैलीजेंस रिपोर्ट नहीं उन्हां को जांदी ते सूबा सरकार भी इह तों बच नहीं सकती दे आर आंसरेबल ने आपां उहदे ते नहीं गल करनी। साडा अज दा एजेंडा आ कि राहुल जी नाल जो तकेशाही कांग्रेस पार्टी नाल साडे लीडर नाल होया उहदे लई असीं इकट्ठे होए आ और असी वी विल फाइट इट आउट। सर एक गल होर है जिस तरह कि G20 करके इन्हां ने व्यापार नूं भी वधाउण दे कोशिश कर रहे ने लेकिन दूजे पासे देखा जा रहा है अमृतपाल चैलेंज ते चैलेंज दे रहा जी सरकार नूं और इहदे नाल तुहानूं की लग रहा है कि व्यापारी किन्ना डरिया होया है? बिल्कुल बिल्कुल आम नागरिक डरिया है और ये लॉ एंड ऑर्डर दो बंदे ने कायम करना कदे तो अमृतपाल जी अंबाला टप जांदे आ यार असीं पिछे पिछे जा रहे हैं तो अगे दी क्यों नहीं खेलते वो फिर दोबारा होशियारपुर च आ गए सब मैनू समझ नहीं आ रहा। कौन जी मस्ट भी मैं नहीं ये बारे कमेंट कर सकता क्यों मैंने पता नहीं मस्ट भी हो सकता जो तुम कह रहे हो सच नहीं हो सकता फिर तुम नहीं मेरी स्टेटमेंट नहीं है ये थोड़ी स्टेटमेंट है मस्ट भी हो सकता जो तुम कह रहे हो सकता है नहीं हो सकता